कोविड फिर से शुरू हो गया है, जितना बच सके हम वही अच्छा है हमारे लिए। आपकी जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए कोविड की। जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि चाइना में कोविड फिर से शुरू हो गया है, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट हिदायत के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एडिक्वेट प्रिकॉशंस लें। तो पहला तरीका तो ये है कि हम बचें दूर। प्रेगनेंसी स्पेशली जो है वो एक लो इम्यूनिटी स्टेटस वाली स्टेट होती है, तो जनरल एडवाइजरी तो सेम रहती है, बट प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चा भी है साथ में और कोविड का असर बेबी पे क्या होता है उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हो पाई हैं, बिकॉज कोविड नई बीमारी है। तो जितना हो सके बचाव में ही हमारी अच्छी रहे, जितना बच सके हम वही अच्छा है हमारे लिए। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए। आपकी जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए कोविड की। अगर बूस्टर डोज नहीं लगी है तो बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। फिर जो वेंटिलेशन है आपके रूम की और आपके घर की वो पूरी होनी चाहिए, जैसे सनलाइट पूरी आनी चाहिए, एयर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप हैंड हाइजीन, मतलब अपने हाथ धोते रहिए, और जो भी आप बाहर से सामान लेकर आते हैं उसको थोड़ी देर, जैसे पहले 2019 में शुरू हुआ था, 2020 में जैसे हम प्रिकॉशंस लेते थे उसी तरीके की प्रिकॉशंस आप रखिए कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो धो के खाइए और सनलाइट से एक्सपोजर आप करते रहिए। मास्क पहनना जो है वो अभी ज़रूरी है क्योंकि मास्क से प्रोटेक्शन मिलेगी। आप किसी को भी अगर लगता है कि मुझे कोविड हो सकता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आपके घर वालों को आपसे नहीं लगना चाहिए, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको तो आप सेपरेट रूम या सेपरेट फ्लोर पर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। और अगर किसी को कोविड हो ही गया है तो उसको ज़रूरी से ज़रूरी हॉस्पिटल लेकर जाइए, और इलाज कराना तो ज़रूरी है।